हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य पीसीएस। माय नेम इज निशित मिश्रा और मैं आपका स्वागत करता हूँ एकलव्य पीसीएस में। बच्चों, मॉडर्न इंडिया हमने पूरा पढ़ लिया है, पूरा सीरीज़ हमने उसकी पढ़ ली है। अगर आप उस सीरीज़ को आपने अब तक नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से उसे देख सकते हैं। आज से हम एक नया सेशन शुरू करने जा रहे हैं जो कि है जियोग्राफी का। तो आज की इस जियोग्राफी की पहली क्लास में हम चर्चा करेंगे हाउ टू लर्न जियोग्राफी, हाउ टू लर्न इफ़ेक्टिव जियोग्राफी, जो काम आएगी आपके बहुत सारे वेरियस एग्ज़ाम में एज वेल एज सिविल सर्विसेज में। तो दोनों में ही हम इसकी इफ़ेक्टिव तरीके से इसको कैसे पढ़ सकते हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली जो चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा जियोग्राफी को लेकर के, वो ये है बच्चों कि जियोग्राफी बेहद ही ईजी सब्जेक्ट है, प्लस बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मैं आज आपको भरोसा दिलाता हूँ कि अगर आप मेरे सारे वीडियो लेक्चर अटेंड करेंगे जियोग्राफी के, तो शायद ही ऐसा कोई जियोग्राफी का टर्म होगा या शायद ही ऐसा कोई जियोग्राफी का क्वेश्चन होगा जो एग्ज़ाम में आए और आपको समझ ना आए, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ, बशर्ते आप मेरे साथ जुड़े रहें और जितनी भी चीज़ें क्लास में आपको बताई जाएँ उनको इफ़ेक्टिव ढंग से घर पर प्रैक्टिस कीजिए, तो जियोग्राफी आपके लिए बेहद आसान हो जाएगी। तो आज हम इन्हीं चीज़ों की चर्चा करेंगे कि किस तरीके से हम जियोग्राफी को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर जो है लर्न शब्द का इस्तेमाल है, हम जियोग्राफी को सीखने जा रहे हैं क्योंकि ये एक कला है। जिस तरीके से विभिन्न कलाएँ होती हैं, आपने चित्रकार देखा होगा, चित्रकार जो होता है वो अगर आप चित्रकारी सीखने जाएँ, पेंटिंग सीखने जाएँ, तो आप पहले दिन में ही पारंगत नहीं हो जाएंगे, पहले दिन ही आप एकदम परफेक्ट नहीं हो जाएंगे, उसमें आपको समय देना पड़ेगा। वो समय कैसे आएगा? प्रैक्टिस से आएगा। अंग्रेजी में कहावत है, प्रैक्टिस मेक समय परफेक्ट, तो वही यहाँ पर भी लागू होगी। इसलिए हमने वर्ड यूज़ किया लर्न, हाउ टू लर्न जियोग्राफी, जियोग्राफी को कैसे सीखें, उसको सीखने के क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट आपको चाहिए होंगे जियोग्राफी को सीखने के दौरान। अगर आप इनको ढंग से समझ लेते हैं तो निश्चित रूप से एग्ज़ाम में आपके जियोग्राफी के मोस्टली सवाल जो भी आते हैं वो आपके सही हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं जियोग्राफी क्या है और हम इसको कितने भागों में बांटते हैं और किस तरीके से हमें इसको पढ़ना चाहिए। तो देखो बच्चों, जियोग्राफी जो वर्ड है, हालांकि इसका इंट्रोडक्शन बहुत ही सिंपल सा है, नाम में ही छिपा हुआ है जियोग्राफी। तो जब भी हम बात करते हैं जियोग्राफी की बच्चों, तो एक वर्ड जो है यहाँ पर वो है जियो। बच्चों, जियो वर्ड जहाँ कहीं भी इस्तेमाल हो जाए, ध्यान रखिएगा, बहुत ही कॉमन चीज़ है, जियो वर्ड जहाँ भी इस्तेमाल हो जाए ये इंडिकेट करता है अर्थ को। ध्यान रखिएगा, जियो मतलब अर्थ। अगर जियो वर्ड आ रहा है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ जमीन संबंधी, कुछ ना कुछ पृथ्वी संबंधी वार्तालाप चल रही होगी, इस बात का हम ध्यान रखें। अब ये जो वर्ड है जियोग्राफी, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको पहले ही स्पष्ट कर दूं बच्चों कि यहाँ जो भी हम लेक्चर लेंगे उसमें मोस्टली वर्ड इंग्लिश के इस्तेमाल होंगे, तो इसमें थोड़ा सा आपको फैमिलियर होना पड़ेगा इंग्लिश लैंग्वेज से। उसका कारण बच्चों ये है, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हो तो वहाँ पर जियोग्राफी के जो शब्द आते हैं वो अंग्रेजी में ही आते हैं, तो फिर ये हमारी मजबूरी हो जाती है कि हमें अंग्रेजी में ही सीखें। अगर आप इन्हें हिंदी में सीखोगे और एग्ज़ाम में अंग्रेजी में आ गया तो फिर आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, फिर आपके ऐसे सवाल भी गलत हो जाएंगे जो आपको आते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम यहाँ पर अंग्रेजी पर थोड़ा सा बल ज़्यादा देंगे, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस बात को कि मैं अंग्रेजी शब्दों का थोड़ा इस्तेमाल करूँगा लेक्चर के दौरान, हालांकि मैं प्रयास करूँगा कि मैं उनकी हिंदी भी आपको वहीं के वहीं समझा दूँ, लेकिन थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा। तो देखिए, ये जो वर्ड है जियोग्राफी बच्चों, दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफी। जियो का सिंपल सा मतलब होता है, मैंने अभी आपको बताया अर्थ, जियो का सिंपल सा मतलब है अर्थ, जियो का मतलब है रिलेटेड टू अर्थ, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो अर्थ से जुड़ी हुई है, पृथ्वी से जुड़ी हुई है। और ग्राफी का सीधा सा मतलब होता है बच्चों स्टडी। तो जियोग्राफी का सिंपल सा मतलब है स्टडी ऑफ अर्थ, सिंपल सा, एक सामान्य शब्दों में अगर हम इसकी बात करें तो जियोग्राफी का साधारण सा अर्थ होता है बच्चों पृथ्वी का अध्ययन, स्टडी ऑफ अर्थ। लेकिन अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो बच्चों वर्तमान स्थिति में जियोग्राफी केवल अर्थ तक सीमित नहीं है। आज जब हम जियोग्राफी का अध्ययन करते हैं
तो जियोग्राफी में जो पहली यूनिट आती है वो है द कॉस्मॉस, द यूनिवर्स। और जब हम यूनिवर्स की बात करते हैं तो हम पृथ्वी से पहले ब्रह्मांड की बात करते हैं, हम बात करते हैं बिग बैंग थ्योरी की, हम बात करते हैं समस्त ब्रह्मांड की, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, हम बात करते हैं विभिन्न ग्रहों की, विभिन्न उपग्रहों की, विभिन्न सौरमंडलों की, हमारी आकाशगंगा की। तो वर्तमान की अगर बात की जाए बच्चों, तो ये केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं है, इसका विस्तार जो है संपूर्ण ब्रह्मांड तक हो गया है। तो इसे केवल इस परिभाषा में सीमित रखना कि हम यहाँ केवल पृथ्वी का अध्ययन करते हैं तो ऐसा नहीं है, अब ये बहुत ज़्यादा विस्तृत है। वर्तमान समय में हम इसमें केवल पृथ्वी का ही नहीं बल्कि समस्त ब्रह्मांड की वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। यानी अगर हम आसान भाषा में कहें तो पृथ्वी पर जो भी आपको दिखाई दे रहा है उन सभी का अध्ययन जो है जियोग्राफी के अंतर्गत किया जाता है। अब दिखाई देने से मतलब है वो सारी चीज़ें जो प्राकृतिक हैं, ऐसी सभी प्राकृतिक चीज़ें जो आपको धरती पर दिखाई देती हैं, चाहे वो नदियाँ हों, चाहे वो पहाड़ हों, चाहे वो झीलें हों, चाहे वो मैदान हों, चाहे वो समुद्र हों, चाहे वो वायुमंडल हो, जितनी भी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं इस धरती पर, वो सारी की सारी पृथ्वी के भीतर जो शामिल हैं, इन सभी चीज़ों का अध्ययन हम जियोग्राफी के अंतर्गत करते हैं। ये इसका शाब्दिक अर्थ है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब जियोग्राफी जो है बच्चों एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, मैं आपको पहले स्पष्ट कर दूँ, जियोग्राफी जो है एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ये डिपेंड करता है बच्चों इमेजिनेशन पर, आप जितना अच्छा इमेजिनेशन कर पाएंगे जियोग्राफी को लेकर के उतना ही बेहतर इस विषय की समझ आपको हो पाएगी। यानी हर वो विद्यार्थी जो कल्पनाशील है, जो चीज़ों की कल्पना कर सकता है, तो वो जियोग्राफी को बहुत अच्छे से समझ पाएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है। हर जगह हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे, अपनी डेली लाइफ में भी हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे। तो ये कल्पनाशील विषय है, जो व्यक्ति जितना ज़्यादा कल्पना कर सकता है चीज़ों की, चीज़ों को लेकर इमेजिन कर सकता है, वो जियोग्राफी को उतना ही बेहतर समझ सकता है। इसका एहसास हमें आने वाले लेक्चर्स में होगा। तो बच्चों ये बात हुई सामान्यतः इसके नाम की। अब हम बात करें इसकी ब्रांचेस की कि आखिरकार जियोग्राफी में हमें क्या क्या पढ़ना होता है और उन चीज़ों को हम कैसे पढ़ें, इन चीज़ों की हम चर्चा करते हैं। तो बच्चों जियोग्राफी जो है, अगर हम इसको बांटें विभिन्न खंडों में, अगर हम इसको बांटें तो बच्चों ये हो गई जियोग्राफी। और जियोग्राफी को अगर हम मोटे तौर पर बांट दें तो सबसे पहले आता है बच्चों इसमें कॉस्मोस, यानी यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड। ये बात हो रही है बच्चों ब्रह्मांड की। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे बच्चों ब्रह्मांड, और दूसरा हम इसे सामान्य रूप से बांट सकते हैं जनरल जियोग्राफी, ठीक। जियोग्राफी को सामान्य रूप से हम दो हिस्सों में बांट लेते हैं, पहला है कॉस्मोस और दूसरा है सामान्य भूगोल, जनरल जियोग्राफी। अब कॉस्मोस की बात करें बच्चों हम, तो कॉस्मोस में क्या क्या शामिल हो जाता है। कॉस्मोस में सबसे पहले शामिल होता है यूनिवर्स, हमारा पूरा का पूरा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न सिद्धांत, ये सारे के सारे हम इसमें पढ़ते हैं। इसके अलावा हम इसमें पढ़ते हैं बच्चों सोलार सिस्टम, हिंदी में सौर मंडल। सौर मंडल में हम अध्ययन करते हैं बच्चों हमारे सूर्य का और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले विभिन्न ग्रहों का। वे आकाशीय पिंड जो किसी तारे की परिक्रमा करते हैं उन्हें ग्रह कहा जाता है। तो हमारा जो तारा है वो है सूर्य, और चूंकि हम सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं तो हम हैं उसके ग्रह। तो हम इसमें चर्चा करेंगे सूर्य की, सूर्य की उत्पत्ति, सूर्य का जन्म, सूर्य की आयु, सूर्य की संरचना। इसके अलावा कंपोजिशन ऑफ सन, किस तरीके से वो बना है, उसका कंपोजिशन क्या है, इसको हम जानेंगे। और फिर हम चर्चा करेंगे उसके आसपास घूमने वाले आकाशीय पिंड ग्रहों की, जिनमें हम बुध से लेके आपका नेपच्यून तक, यानी मरकरी से लेकर नेपच्यून तक जितने भी ग्रह पड़ते हैं, यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है,
इनको हम सबका विस्तृत अध्ययन करेंगे और फिर इनके जो उपग्रह हैं बच्चों उनकी भी हम चर्चा करेंगे, जैसे पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, तो इनकी हम डिटेल एनालाइज करेंगे सोलर सिस्टम में। और फिर हम आ जाते हैं बच्चों यहाँ पर मून पे, फिर हम चर्चा करेंगे बच्चों चंद्रमा की, चंद्रमा के बारे में हम जानेंगे, चंद्रमा की जो कलाएं होती हैं उनके बारे में हम जानेंगे। चंद्रमा से ही जुड़ा हुआ एक टॉपिक है बच्चों सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, ठीक है, सोलार इक्लिप्स और लूनार इक्लिप्स, इन दोनों की हम विशेष चर्चा करेंगे, कैसे होते हैं ये, किस तरीके से होते हैं इनको हम जानेंगे, तो ये सारी की सारी चीज़ें इसमें आएंगी। और फिर हम पढ़ेंगे बच्चों स्पेशली अर्थ को, यानी पृथ्वी को, हम पृथ्वी का अध्ययन करेंगे। और पृथ्वी में भी हम जो है मुख्य रूप से पढ़ेंगे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड मतलब अक्षांश और लॉन्गिट्यूड मतलब देशांतर। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे पृथ्वी पर खींची जाने वाली रेखाएं, जिन्हें हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं, इनको हम जानेंगे इस टॉपिक में। विशेष सवाल इनसे एग्जाम में पूछा जाता है, और ज्योग्राफी पढ़ रहे प्रत्येक विद्यार्थी के लिए बेहद ज़रूरी है कि उसको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में अवश्य पता हो, क्योंकि आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और आपको अक्षांश और देशांतर रेखाओं का ज्ञान नहीं है, मतलब फिर आपकी नींव बहुत कमज़ोर है, फिर आप कुछ भी समझ नहीं पाएंगे ज्योग्राफी में, एक सिंपल सा सवाल भी आप गलत कराओगे। तो अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं को हम जानेंगे, और फिर हम इसमें पढ़ेंगे बच्चों मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन, यानी हिंदी में मानक समय। तो विश्व के जो स्टैंडर्ड टाइम हैं उनको हम जानेंगे, किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट होता है, भारत का मानक समय जो सभी बच्चों को पता है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है, तो क्यों लिया गया है, 82.5 ही क्यों, 90 क्यों नहीं कर लिया, 95 क्यों नहीं कर लिया, 100 क्यों नहीं कर लिया, है ना। तो इन चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार भारत का जो मानक समय है जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है, वो 82.5 से ही क्यों लिया गया। फिर हम चर्चा करेंगे एक छोटे सवाल और की, जो आप सब लोगों ने रट्टा मार लिया होगा अपने पढ़ाई के दौरान, कि भारत का मानक समय जो ग्रीनविच रेखा है उससे 5.5 घंटे आ गया, सबको ये बात पता रहती है जो भी तैयारी करता है। हम इसके कारण जानने का प्रयास करेंगे कि 5.5 घंटे ही क्यों, 6 क्यों नहीं कर लिया, 7 क्यों नहीं कर लिया, 1 क्यों नहीं कर लिया, तो इन सारे सवालों के जवाब आपको इस टॉपिक में मिल जाएंगे। ये सामान्यतः कॉस्मोस के अंतर्गत ही हम सारी चीज़ें पढ़ लेंगे। उसके बाद आ जाती है बच्चों जनरल ज्योग्राफी, जो एग्ज़ाम में आपसे नॉर्मली पूछता है। अच्छा, जनरल ज्योग्राफी में भी हम काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे पहला जो टॉपिक होगा बच्चों हमारा वो होगा फिजिकल ज्योग्राफी। जनरल ज्योग्राफी में जो हमारा पहला टॉपिक होगा बच्चों वो होगा फिजिकल ज्योग्राफी, हिंदी में इसे कहते हैं भौतिक भूगोल। जनरल ज्योग्राफी में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे बच्चों फिजिकल ज्योग्राफी की, और फिजिकल ज्योग्राफी में हम काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। जैसे पहला जो टॉपिक हम फिजिकल ज्योग्राफी में कवर करेंगे वो होगा बच्चों लिथोस्फीयर। जो पहला टॉपिक हम कवर करेंगे इसमें वो होगा बच्चों क्या, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर को हिंदी में कहा जाता है स्थल मंडल, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, स्थल मंडल। भौतिक भूगोल में हम पढ़ेंगे बच्चों स्थल मंडल को, और स्थल मंडल में हम सबसे पहले जानेंगे, अच्छा मैं यहाँ लिख देता हूँ, फिजिकल ज्योग्राफी में जो हमारा पहला टॉपिक होगा बच्चों वो होगा लिथोस्फीयर, हिंदी में स्थल मंडल, स्थल मंडल। स्थल मंडल में बच्चों हम क्या पढ़ेंगे, स्थल मंडल में हम पढ़ेंगे पृथ्वी की संरचना। स्थल मंडल में हम पढ़ेंगे बच्चों पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जिसको शायद आपने पढ़ा होगा सियाल, सीमा और निफे। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना में विभिन्न परतों में जो विभाजन होता है, जो जो घनत्व को लेकर अंतर है, जो तापमान को लेकर अंतर है, विभिन्न परतों के बीच में जो आपकी क्या बोलते हैं उनको, जो विभिन्न परतों के बीच में जो स्पेशल स्थान पाए जाते हैं,
जिन्हें असंबद्धता कहा जाता है, डिसकंटिन्यूटी, जैसे कॉनराड डिसकंटिन्यूटी होता है ना, मोही डिसकंटिन्यूटी होता है, इनकी हम विशेष चर्चा करेंगे स्थलमंडल के अंतर्गत पृथ्वी की संरचना में। अच्छा, पृथ्वी की संरचना के साथ साथ ही हम यहाँ पढ़ेंगे बच्चों प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हम यहाँ जानने का प्रयास करेंगे। प्लेट टेक्टोनिक क्या है ना, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत क्या है, किस तरीके से इसको विभिन्न भागों में बांटा गया है, संरक्षी प्लेट किनारा क्या होता है, विनाशात्मक प्लेट किनारा क्या होता है, ठीक है, इन सबको हम डिटेल में एनालाइज यहाँ पर करेंगे स्थलमंडल टॉपिक के अंतर्गत। उसके बाद हम यहीं पढ़ेंगे बच्चों भूकंप एवं ज्वालामुखी। इसी टॉपिक में बच्चों हम कवर करेंगे भूकंप एवं ज्वालामुखी, भूकंप अर्थक्विक, ज्वालामुखी वॉल्केनो। तो सीस्मिक और वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ को हम कवर करेंगे। आखिरकार भूकंप क्यों आते हैं, भूकंप के क्षेत्र कितने हैं भारत में, और भूकंप आने के बाद किस तरीके से पृथ्वी रिएक्ट करती है, पी टाइप वेव्स क्या होती हैं, एस टाइप वेव्स क्या होती हैं, एल टाइप वेव्स क्या होती हैं, इनको हम डिटेल में जानेंगे, इनकी विशेषताओं को जानेंगे और इनके पृथ्वी पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा करेंगे। फिर आता है आपका बच्चों ज्वालामुखी। ज्वालामुखी को हम जानेंगे, ज्वालामुखी उद्गार के कारण क्या होते हैं, कहाँ ज्वालामुखी बन सकते हैं और कहाँ ज्वालामुखी पाए जाने की संभावना बिल्कुल शून्य होती है। जैसे पीसीएस परीक्षा में एक बार पूछा गया है बच्चों मेंस एग्जाम में कि बताइए हिमालय परिक्षेत्र में ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं क्यों, आखिरकार क्या रीज़न है कि हिमालय जो है वहाँ पर ज्वालामुखी नहीं पाए जाते। तो इसका आपको जवाब देना होगा और जवाब तभी दे पाएंगे जब आपने एक गहन अध्ययन किया होगा। सामान्य पढ़कर के आप इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते, अगर किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। तो भूकंप और ज्वालामुखी की इस टॉपिक के अंतर्गत हम बच्चों चर्चा करते हैं। इसी टॉपिक के अंतर्गत बच्चों हम पढ़ लेते हैं चट्टानों को। काफ़ी देखिए सिलेबस तो निश्चित रूप से बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सिलेबस निश्चित रूप से बड़ा है, लेकिन हाँ इस बात की गारंटी है कि ये कब ख़त्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही शानदार है ये। अगर आप इसको एक बार ढंग से पढ़ना शुरू करते हैं तो सारे टॉपिक आपको समझ में आएंगे, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है ये। फिर हम पढ़ेंगे बच्चों चट्टानों को, रॉक्स। आपका रॉक्स जो होती हैं बच्चों तीन प्रकार की होती हैं, इग्नियस रॉक होती है जिन्हें हम आग्नेय चट्टानें कहते हैं, दूसरी आपका सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं जिन्हें हम अवसादी चट्टान कहते हैं, और तीसरी आपकी मेटामॉर्फस होती हैं जिन्हें हम आपका रूपांतरित चट्टानें कहते हैं। तो सेडिमेंट्री हो गई, मेटामॉर्फस हो गई और आपका इग्नियस हो गई, इन तीन चट्टानों की हम विशेषताएं जानेंगे, ठीक है, कौन सी चट्टान कब बनती है, इसके बनने का क्रम क्या होता है, और पृथ्वी पर चट्टान का प्रक्रम किस तरीके से चलता है, चट्टान के जन्म से लेकर और उसके अंत तक सभी स्थितियों की हम चर्चा करेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत, चट्टानों के अंतर्गत, आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें, रूपांतरित चट्टानें, इनसे पेपर में अच्छे सवाल पूछता है, ठीक है, तो इसको भी हम इसी टॉपिक के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे, ठीक है। आगे जब हम बढ़ते हैं बच्चों तो इसी टॉपिक में हमें दिखाई दे जाते हैं महाद्वीप। तो महाद्वीपों की हम चर्चा करेंगे, महाद्वीपों को हम जानेंगे, महाद्वीपीय विस्थापन का जो सिद्धांत है वैगनर का, उसकी हम चर्चा करेंगे, ठीक है, किस तरीके से वैगनर महोदय ने ये सिद्धांत दिया कि महाद्वीपों का विस्थापन हो रहा है, इनको हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। एग्ज़ाम में इसको लेकर के सवाल आपसे अक्सर करके पूछा गया है, पूछा भी जाता है, तो हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, इसकी हम विशेष चर्चा करेंगे, महासागर, और फिर हम जो है महाद्वीपों की विभिन्न विशेषताओं को भी जानेंगे। ये टॉपिक है बच्चों हमारा स्थलमंडल। दूसरा जो टॉपिक है बच्चों वो है हमारा जलमंडल। जलमंडल को हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर, ये है बच्चों लिथोस्फीयर और ये है हाइड्रोस्फीयर, ओशनोग्राफी भी हम इसको बोल देते हैं, ओशनोग्राफी यानी समुद्र विज्ञान। जलमंडल में मुख्य रूप से किसकी बात होगी, तो जलमंडल में मुख्य रूप से बात होगी बच्चों पृथ्वी पर पाए जाने वाले महासागरों की, ठीक है। इस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे बच्चों किसकी, इस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे महासागरों की, जो हमारे ओशंस हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े विशाल जल राशियां हैं, महासागर हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे, उनको हम जानेंगे। और बच्चों
महासागरों में जो पाए जाने वाले विभिन्न उच्चावच होते हैं, जो महाद्वीपीय निमग्न तट होते हैं, जो ढाल होते हैं, इनकी हम चर्चा करेंगे। और इसी टॉपिक पर हम जब आगे बढ़ेंगे तो हमें जानने को मिलेंगे बच्चों, इसी टॉपिक में जब हम महासागरों में आगे बढ़ेंगे तो हम इसमें पढ़ेंगे बच्चों, महासागरीय जलधाराएं, ओशन करंट। जलधाराओं से काफ़ी बार एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं और काफ़ी मज़ेदार टॉपिक है, इसको भी हम जानेंगे। जलधाराओं की हम विशेष चर्चा करेंगे, महासागरीय जलधाराएं क्या होती हैं, किस तरीके से चलती हैं और प्रत्येक महासागर की जलधाराएं कौन कौन सी हैं, कितनी ठंडी हैं, कितनी गर्म हैं, इन सब की भी हम विशेष चर्चा करेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत। ठीक है, तो जलमंडल में हम महासागरों का अध्ययन करेंगे। इसके अलावा हम चर्चा करेंगे बच्चों महासागरीय जलधाराओं की, और फिर हम पढ़ेंगे बच्चों महासागरों के तापमान तथा प्रवणता। तापमान एवं प्रवणता, समुद्र में तापमान के कारक क्या होते हैं, और प्रवणता का मतलब है कि समुद्र में विभिन्न स्थानों पर जो नमक की मात्रा है, जो उसका खारापन है, उसमें किस तरीके से अंतर आता है और उनके क्या प्रभाव होते हैं, इसको हम इस टॉपिक में पूरा का पूरा कवर करेंगे। और जलमंडल में ही हम बच्चों पढ़ने वाले हैं प्रवाल भित्ति, बहुत ही इंपॉर्टेंट। प्रवाल भित्ति यानी कोरल रीफ्स, इन्हें हम क्या बोलते हैं हिंदी में, मतलब इंग्लिश में इन्हें बोलते हैं कोरल रीफ्स, मूंगा चट्टाने। तो मूंगा चट्टाने जो हैं बच्चों, इन्वायरमेंटल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम जानेंगे प्रवाल भित्तियों का वैश्विक वितरण क्या है, दुनिया में प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती हैं, इनके पाए जाने के विशेष स्थान कहाँ कहाँ मिलते हैं और हमारे लिए ये क्यों महत्वपूर्ण है। प्लस हम चर्चा करेंगे वर्तमान में कोरल भित्तियों पर छाए संकट की, जिसे हम कहते हैं बच्चों कोरल ब्लीचिंग। हम जानेंगे कि आखिरकार प्रवाल विरंजन यानी कोरल ब्लीचिंग क्या है, इसके कारण क्या है और इसके पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को भी हम विशेष रूप से पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक हो गया बच्चों हमारा जलमंडल का। तीसरा जो हमारा टॉपिक होगा बच्चों, इसे मैं साफ कर देता हूँ या फिर इधर आ जाते हैं हम, ठीक है। तीसरा जो हमारा जो हमारा टॉपिक रहेगा फिजिकल ज्योग्राफी में बच्चों, वो रहेगा बच्चों वायुमंडल, एटमॉस्फियर। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसे हम बोलते हैं वायुमंडल। वायुमंडल मतलब इंग्लिश में एटमॉस्फियर। तो अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों वो है वायुमंडल। इसमें हम जानेंगे वायुमंडल की संरचना, ठीक है, किस तरीके से वायुमंडल बनता है, किन किन गैसों से मिलकर बनता है और वायुमंडल की परतें, ठीक है। वायुमंडल की जो परतें हैं वो भी काफी महत्वपूर्ण हैं, इनको पढ़ना बेहद ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। चलिए, लगता है ये दिखाई नहीं दे रहा, इसको हम सेट कर लेते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूं मैं। ये है बच्चों वायुमंडल। तो वायुमंडल में हम पढ़ेंगे सबसे पहले इसकी संरचना, किस तरीके से वायुमंडल बनता है, किन किन गैसों से मिलकर बनता है, किन किन तत्वों से मिलकर बनता है, और फिर हम पढ़ेंगे इसमें वायुमंडल की परतें। बच्चों वायुमंडल की परतें बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्षोभ मंडल, हालांकि इन्हें अंग्रेजी में याद रखना बेहद ही ज़रूरी है क्योंकि ये हिंदी में बहुत कम आती हैं। जब हम इन्हें पढ़ेंगे तो अंग्रेजी में ही पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं केवल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ तो इन्हें हिंदी में हम जान सकते हैं। पहली परत होती है बच्चों क्षोभ मंडल, फिर आती है समताप मंडल, फिर आती है मध्य मंडल, फिर आता है आयन मंडल और फिर आता है बाह्य मंडल। तो इन सभी का क्रम आपको पता होना चाहिए, इनकी विशेषताएं आपको पता होना चाहिए और प्री एग्जाम में इस टॉपिक से काफ़ी सारे सवाल आपसे पूछता है, इनको हम जानेंगे। और फिर इसी टॉपिक में हम पढ़ेंगे बच्चों वायुमंडल टॉपिक में ही हम पढ़ेंगे पवने, इसी टॉपिक में हम चर्चा करेंगे बच्चों पवनों की, विंड्स की। इसमें हम पढ़ेंगे बच्चों विभिन्न पवने और पवनों के प्रकार। इस टॉपिक में हम जानेंगे बच्चों स्थायी पवने और अस्थायी पवने। जैसे आपने सुना होगा पछुआ पवने, ये तो बहुत कॉमन है, आपने सुनी होगी पछुआ पवने, है
है ना। तो इनको हम जानेंगे कि पछुआ पवने किस प्रकार की पवने हैं, एनाबेटिक पवने, कैटाबेटिक पवने, इन सभी का हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। और एक तो बहुत ही फेमस है जेट स्ट्रीम, तो इन सभी को इस टॉपिक में पढ़ा जाएगा। वायुमंडल में अगला टॉपिक आता है बच्चों वर्षा। इस टॉपिक में अगला जो बिंदु है बच्चों वो है वर्षा, वर्षा एवं बादल, इन दोनों टॉपिक्स को हम इसमें कवर करेंगे। वर्षा एवं बादल, वर्षा किस तरीके से होती है, वर्षा होने की क्या क्या स्थितियां होती हैं, संघनन क्या होता है, सापेक्षिक आर्द्रता क्या होती है, सारे टॉपिक को हम जानेंगे। और फिर हम पढ़ेंगे बादलों को, बादलों के विभिन्न प्रकार होते हैं जिसमें एक बड़ा ही फेमस है न्यूमलस क्यूमुलस निम्बस क्लाउड, जो काले घने बादल जो आपको दिखाई देते हैं बच्चों, जो हम देख पाते हैं अभी बारिश का मौसम आने वाला है, मानसून आने वाला है, तो उस समय वो बादल हमें दिखाई देते हैं, क्यूमुलस निम्बस क्लाउड आपको दिखेंगे, काले एकदम घने बादल। तो वो बादलों के ही प्रकार में हमें जानने को मिलेंगे कि कितने प्रकार के बादल होते हैं, कपासी मेघ क्या होते हैं, कृत्रिम वर्षा क्या होती है, इन सभी को हम जानेंगे। और इसी टॉपिक में हम पढ़ेंगे बच्चों चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात, साइक्लोन एवं एंटी साइक्लोन, इन दोनों बिंदुओं की इस टॉपिक में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें इसी में आ जाती हैं। और फिजिकल ज्योग्राफी का जो लास्ट टॉपिक रहता है बच्चों वो है बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अगर आप सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ज्योग्राफी में आपको जैव विविधता वाला पोर्शन पढ़कर जाना ही चाहिए। आप विश्वास मानकर चलिए 4 से 5 क्वेश्चन एनवायरमेंटल साइंस से आते ही हैं सिविल सर्विसेज में। कोई भी एग्जाम दे लो आप, चाहे पीसीएस दे लो, चाहे लोअर पीसीएस दे लो, चाहे आरओ दे लो, चाहे आईएएस दे लो, इस टॉपिक से सवाल आने ही आने हैं। तो इसकी एक एक बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, पारिस्थितिकी क्या होती है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना क्या है, और इकोलॉजिकल सिस्टम पर ह्यूमन इफेक्ट क्या है, ओजोन छिद्र क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, एसिड रेन क्या है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इन सब की हम विशेष चर्चा करेंगे। ये टॉपिक आ जाते हैं बच्चों आपके फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत। अगला जो है हमारा वो है आर्थिक भूगोल। ठीक है, पहला था कॉस्मोस, फिर हम गए जनरल ज्योग्राफी में, उसमें हमने देखा पहले फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी में ये सारी चीज़ें। सेकंड आता है बच्चों आर्थिक भूगोल। सेकंड जो भूगोल में पढ़ने वाली चीज़ है बच्चों वो है आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल में हम पढ़ते हैं बच्चों विभिन्न फसलों को। ठीक है, विभिन्न फसलों का अध्ययन करते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा खरीफ की फसलें। ठीक है, खरीफ की फसलें, रबी की फसलें और जायद की फसलें। अभी जो हमारा सेशन चल रहा है, अभी ये कौन सा सेशन है आप लोग मुझे कमेंट में करके बताइए कि अभी फसल चक्र में कौन सा चक्र चल रहा है, खरीफ का चल रहा है, रबी का चल रहा है या जायद का चल रहा है। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ते हैं बच्चों विभिन्न फसलों को, और इसी में हम पढ़ते हैं बच्चों विभिन्न प्रकार की कृषि को। ठीक है, एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग, ये दोनों टॉपिक्स, ये जो दोनों टॉपिक हैं इसी के अंतर्गत आ जाते हैं बच्चों। कृषि का हम अध्ययन करते हैं इसके अंतर्गत। कृषि बहुत प्रकार की होती है। ठीक है, झूमिंग कृषि बहुत ही फेमस है, स्थानांतरित कृषि बहुत ही फेमस है, इन सारी चीज़ों की हम विशेष चर्चा करेंगे। और इसी टॉपिक में आ जाएगा आपका पशुपालन। तो ये सारे के सारे टॉपिक जो हैं बच्चों आर्थिक भूगोल में आ जाते हैं, प्लस आर्थिक भूगोल में ही शामिल हो जाता है बच्चों विभिन्न उद्योग धंधे और खनिज संसाधन। इसी में बच्चों शामिल हो जाते हैं हमारे विभिन्न उद्योग धंधे और खनिज संसाधन। खनिज संसाधनों में कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, इन सब की हम विशेष चर्चा इस टॉपिक में करते हैं। और सबसे लास्ट में बच्चों आ जाता है मानव भूगोल। मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी इसे हम कहते हैं। और ह्यूमन ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं मनुष्यों की
प्रजातियां, इसमें हम क्या पढ़ते हैं बच्चों, मनुष्यों की प्रजातियां, मनुष्यों की कितनी प्रजातियां होती हैं, मानव की उत्पत्ति कैसे हुई। इसमें हम पढ़ते हैं बच्चों विभिन्न जनजाति, दुनिया की विभिन्न जनजातियां इसमें हम पढ़ लेते हैं। चलिए इसको थोड़ा मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ तक तो दिखाई दे रहा होगा। तो इसके आगे हम बढ़ेंगे तो यहीं पर आ जाएगा बच्चों जनजाति, विश्व की प्रमुख जनजातियाँ, इनका हम अध्ययन करते हैं। और पृथ्वी पर विलुप्त होने वाली प्रजातियाँ जनजातियाँ कौन कौन सी हैं, और इस पृथ्वी पर जनसंख्या का वितरण किस तरीके से है, जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत क्या हैं, जैसे मालथस का सिद्धांत, मार्क्स का सिद्धांत, इनको हम पढ़ने वाले हैं। और नगरीकरण की क्या क्या समस्याएं हैं या नगरीकरण के क्या क्या सिद्धांत होते हैं, सारी की सारी चीज़ें हम ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो ये जो हमारा पूरा का पूरा सिलेबस है जो हमें पढ़ना है। अब ये जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ लिखी हैं ये सारी की सारी अप्लाई हो जाती हैं बच्चों इंडियन ज्योग्राफी में, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें इंडियन ज्योग्राफी में अप्लाई हो जाती हैं, तो बिना किसी दिक्कत के आप इन्हें समझ पाओगे। वो मेरी जिम्मेवारी है कि किस तरीके से इसको समझाना है। अच्छा, यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी जब आप इतनी सारी चीज़ों को पढ़ रहे होंगे तब, तो बच्चों आपको क्या क्या लगने वाला है वो मैं आपको बता दूँ। ज्योग्राफी पढ़ने के इंस्ट्रूमेंट आपको क्या क्या चाहिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो जब भी कभी आप ज्योग्राफी पढ़ें, या तो आप किसी का लेक्चर अटेंड कर रहे हो या फिर आप खुद किताब से ही पढ़ रहे हो, तो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि आपके पास एक कॉपी पेन हो, ध्यान रखेंगे हमेशा, ये होना ही चाहिए। कॉपी पेन आपके पास होना ही चाहिए जिससे आपको जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें लिखें, जो भी आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें दिखाई दे रही हैं आप उन्हें तत्काल नोट डाउन कर पाएँ। सेकेंड जो चीज़ है बच्चों वो है एटलस, ध्यान रखना, एटलस आपके पास होना ही चाहिए। जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ें तो एटलस अनिवार्य है, बिना एटलस के ज्योग्राफी नहीं पढ़ी जाती है, ये ध्यान रखना। ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे आप जंग पर जा रहे हैं बिना हथियारों के, तो कभी जीत हासिल नहीं होगी। तो ज्योग्राफी का मतलब ही है पृथ्वी का अध्ययन, और जब तक आपको पृथ्वी के बारे में जानकारी नहीं होगी, ब्राज़ील किधर है, अमेरिका किधर है, ठीक है, हम कहते हैं मध्य एशिया में संकट चल रहा है तो मध्य एशिया किधर है, अभी साउथ चाइना सी में विवाद चल रहा है बहुत ज़्यादा, साउथ चाइना सी किधर है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये कैसे पता होगा, ये आपको पता चलेगा एटलस से। तो एटलस होना बेहद ही ज़रूरी है, यानी एक नक्शे की बुक जिसे हम एटलस कहते हैं वो आपके पास होनी ही चाहिए। प्लस दो मैप आप अपने पास जरूर रखें, अपने कमरे में जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पर आप इन्हें ज़रूर से टांग लें, पहला इंडिया का और दूसरा वर्ल्ड का, ठीक है। अगर संभव हो सके तो दोनों के पॉलिटिकल और आपका, मतलब दो तरीके के मैप आते हैं, पहले होते हैं राजनीतिक और दूसरे होते हैं आपके प्राकृतिक, यानी पॉलिटिकल और नेचुरल, तो अगर संभव हो सके तो दोनों ही ले लें, यानी इंडिया के दोनों ले लें। ज्योग्राफिकल जो मैप आएंगे आपके इंडिया के, एक होगा पॉलिटिकल एक होगा नेचुरल, तो अगर संभव हो तो दोनों ही ले लें, लेकिन अगर नहीं ले पा रहे हैं तो कम से कम पॉलिटिकल तो ले ही लें, ये आपकी जिम्मेवारी है। और अगर आप यूपी के किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, मान लो आप यूपीपीसीएस देने जा रहे हो, तो फिर तो आपको यूपी का मैप भी होना ही चाहिए आपके कमरे में, अनिवार्य बात है ये, इसके बिना भैया काम नहीं चलने वाला है। क्योंकि मैप को जब भी आप देखोगे तो आपको नई चीज़ें समझ में आएंगी, आपको एक लोकेशन आपके दिमाग में रहेगी कि हम किधर की बात कर रहे हैं, ठीक है, शब्द से ही आपको समझ में आ जाएगा कि हमें मैप पे कहाँ देखना है। अन्यथा लोगों से जब कोई चीज़ पूछी जाती है तो उन्हें पता ही नहीं होता कि कहाँ देखना है। एशिया के किसी देश को ढूंढने के लिए कहा जाए तो अफ्रीका और पता नहीं कहाँ कहाँ जो है यूरोप में ढूंढने लगते हैं। तो ये गलतियाँ आप लोगों के साथ ना हो इसके लिए ये आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको कॉपी पेन तुरंत हाथ में रखना है, जब भी आप लेक्चर अटेंड करें तो कायदे से कीजिए एकदम, क्योंकि आप इस क्लास को तभी फ़ायदा उठा पाएंगे जब आप सीरियस होके इसको पढ़ रहे होंगे, ठीक है। ये कोई नाच गाने का वीडियो नहीं है जो आप जब चाहे जहाँ चाहे वहाँ बैठ के देख लिया, क्योंकि उसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। यहाँ हम लोग आपके साथ मेहनत करते हैं, ठीक। तो आपको भी ये जो है ध्यान रखना होगा कि जब भी आप ये लेक्चर देखें तो एकदम एकांत में हो, अच्छे से पढ़ाई का माहौल मन बना करके आप इसको देखें, तभी आप इसका पूरा फ़ायदा उठा पाएंगे, अन्यथा इसका कोई भी लाभ आपको नहीं होगा। तो जब भी आप सीरियस होके बैठें तो कॉपी पेन आपके पास हो,
अगर संभव हो तो ज्योग्राफी की कोई बुक हो तो बहुत ही अच्छा है, नहीं भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एटलस तो कम से कम हो ही। तो ये दो तीन चीज़ें आपके पास हों तब आप ज्योग्राफी को पढ़ना शुरू करें, आप बेहतर ढंग से ज्योग्राफी के टर्म्स को, उसमें छिपी हुई बातों को आप आसानी से समझ पाओगे। ये मेरी जिम्मेवारी है कि ज्योग्राफी का एक एक हिस्सा जो मैंने सिलेबस में आपको बताया है ये मैं आपको समझा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन बच्चों मैं एक ही बार समझा सकता हूँ, प्रैक्टिस करना आप लोगों के ऊपर है। हालांकि वीडियो रहेगा, आप जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं, लेकिन बेहतर यही होता है कि एक बार आप इसको देख करके दिमाग में उतार लीजिए और फिर जितना प्रैक्टिस हो सकता है उतना प्रैक्टिस कीजिए, आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो में आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। कोई भी आप लोगों का सवाल हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। और बच्चों अगली जो हमारी क्लास शुरू होगी वो हम वर्ल्ड ज्योग्राफी अभी थोड़ा सा इसको रोकेंगे, ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी को हम थोड़ा डिले करेंगे क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो इंडियन ज्योग्राफी की डिमांड ज़्यादा है, तो हम पहले इंडियन ज्योग्राफी को शुरू करेंगे, ठीक है। आप लोगों का जो भी सवाल है, जो भी क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ, जय हिंद जय भारत।